राज्यों के निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को भंग करने व केंद्र सरकार के श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ सीटू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर सुजानपुर में भी रैली निकाली गई और धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल का वेतन भी केरल की तर्ज पर 18,000 या दैनिक 600 कर देना चाहिए। ये वेतन नरेगा के कार्य कर रहे मजदूरों को देना चाहिए। वहीं मनरेगा में चल रहे कार्यों को भी और अधिक बढ़ाना चाहिए। गरीब लोगों की पेंशन कम से कम 3,000 कर दी जाए। वहीं मोदी सरकार द्वारा श्रम विभाग खत्म हो रहा है, जिसको लेकर सरकार के विरुद्ध जिले भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीघ्र ही मांगे नहीं मानी तो सीटू के बैनर तले उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यों के निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को भंग करने व केंद्र सरकार के श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ सीटू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर सुजानपुर में भी रैली निकाली गई और धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल का वेतन भी केरल की तर्ज पर 18,000 या दैनिक 600 कर देना चाहिए। ये वेतन नरेगा के कार्य कर रहे मजदूरों को देना चाहिए। वहीं मनरेगा में चल रहे कार्यों को भी और अधिक बढ़ाना चाहिए। गरीब लोगों की पेंशन कम से कम 3,000 कर दी जाए। वहीं मोदी सरकार द्वारा श्रम विभाग खत्म हो रहा है, जिसको लेकर सरकार के विरुद्ध जिले भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीघ्र ही मांगे नहीं मानी तो सीटू के बैनर तले उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये सुजानपुर का आज का प्रदर्शन उस सीरीज का एक हिस्सा है। पिछले कल ही अभी भोरंज में प्रदर्शन हुआ है, उससे पहले 5 सितंबर को हमीरपुर और पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हुए हैं। उसी तर्ज पर 9 तारीख को बिजड़ के अंदर, 11 तारीख को टर्न देवी में और 20 तारीख को नदौन के अंदर प्रदर्शन होंगे। इन प्रदर्शनों का मुख्य मकसद, जो मोदी सरकार श्रम कानूनों को बदल रही है, मुख्यतः उसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके साथ जो है हमारी मजदूरों की मांग है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिलना चाहिए, जिस तरीके से केरल की सरकार ने किया है, और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के तौर पर 60 साल के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है नरेगा का बजट जो है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उस बजट को तुरंत जारी किया जाए और नरेगा का वेतन जो है उसको भी जो है मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाए। इन सब मांगों को लेकर जो है आज सुजानपुर शहर के अंदर ये मजदूर प्रदर्शन रैली करना चाहते हैं। सर, किन किन जिलों में प्रदर्शन जो है सीटू कर रही है और भविष्य में क्या है आपका उग्र, अगर सरकार मांगे नहीं मानते हो क्या प्रदर्शन आप भविष्य में लेके आओगे? 5 सितंबर को पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन हुए हैं और जिन रास्तों पे ये मोदी सरकार जिस तरीके से श्रम कानूनों को बदल रही है, ये मजदूर से न्यूनतम इंसान होने का अधिकार भी छीन लेंगे, क्योंकि मजदूर को संगठन बनाने का अधिकार उसको उससे वंचित किया जा रहा है। बहुत तरीके की पेचीदगी इसमें लाई जा रही है। इसके अलावा जो लेबर डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को ही ख़त्म किया जा रहा है। तो ये श्रम कानून जो है मजदूरों के लिए एक फंदा है और पूरे देश का मजदूर इसके खिलाफ एकजुट के होकर लड़ेगा और आने वाले समय के अंदर किस तरीके का स्वरूप होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, मगर ये तो निश्चित तौर पर तय है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही जुझारू और बेहतर आंदोलन मजदूर इस देश के अंदर करेंगे। सर, क्या उपमंडल अधिकारी को आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है आज? दिया जाएगा इसके बाद। इसके बाद जो है मजदूरों की मांगों को लेकर उसमें कुछ स्थानीय है, बाकी श्रम कानूनों से संबंधित है, वो 10 सूत्रीय मांग पत्र है, वो मंडल अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजेंगे। सर, सुजानपुर की जो रैली आपने निकाली है कहाँ से लेकर कहाँ तक जो वहाँ संपन्न होगी? ये रैली जो है चिल्ड्रन पार्क से शुरू हुई है और बाजार से होते हुए ये रैली अभी एसडीएम ऑफिस तक जाएगी, वहाँ ज्ञापन देंगे, उसके बाद इसका संबोधन करते हैं। सर, ज्ञापन में क्या क्या मुख्य मांगों को लेकर आपने चर्चा की है सुजानपुर शहर के मजदूरों के प्रति? उसमें मुख्यतः जो आज की रैली उसमें जो मोदी सरकार श्रम कानूनों को बदल रही है उसको लेकर है। दूसरा, जो कल्याण बोर्ड बना है मजदूरों के लिए, श्रमिक कल्याण बोर्ड, उसको जो है सरकार उस कानून बदलने के साथ उस बोर्ड को भंग करके उसका पैसा जो है प्रधानमंत्री कोष में ले जाने की बात कर रही है, उसको लेकर हमारा विरोध है। इसके साथ मजदूरों को जो कल्याण बोर्ड के माध्यम से पहले वॉशिंग मशीनें मिलती थी, वो वॉशिंग मशीनें बंद कर दी, उसको लेकर हमारा विरोध है। मनरेगा का काम जो है लेकर मजदूरों को काम मिलना चाहिए। इसके अलावा मनरेगा की दहाड़ी बहुत कम हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो उसको भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने और न्यूनतम मजदूरी जो है 600 रुपये करने को लेकर आज की रैली।